हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर पास्ट टेंस। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों, हर एक सेंटेंस में हमें वर्ब को अंडरलाइन करना है और उसका बेस फॉर्म बताना है वर्ब का। जैसे कि माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी ए स्टोरी एवरी नाइट, तो यहाँ पर टोल्ड वर्ब है जिसका बेस फॉर्म है टेल। इसी तरह द गर्ल्स प्लेड विद देयर टॉयज में प्लेड को अंडरलाइन करेंगे और इसका बेस वर्ब है प्ले। अभी हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन अक्रॉस द स्ट्रीट, हेल्प्ड को अंडरलाइन करेंगे और बेस फॉर्म है हेल्प। आई सॉ टू जेब्रास इन द जू, इसमें सॉ को अंडरलाइन करेंगे और सी इसका बेस फॉर्म है। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली में फॉट को अंडरलाइन करेंगे और फाइट इसका बेस वर्ब है। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट टेंस जो होता है बच्चों, किसी पास्ट में मतलब भूतकाल में किए गए किसी काम के बारे में दिखाता है। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जो यस वाले स्टेटमेंट होते हैं उसमें हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट, जैसे रोहित प्लेड फुटबॉल। निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, जैसे कि रोहित डिडंट प्ले फुटबॉल। इंटेरोगेटिव जो यस नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें डिड सबसे पहले आ जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जो डब्ल्यू एच टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें हु या जो क्वेश्चन वर्ड है वो सबसे पहले और फिर डिड और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस को हम कब यूज करते हैं? पास्ट में हुई किसी घटना को बताने के लिए यूज करते हैं या पास्ट की किसी हैबिट को दिखाने के लिए यूज करते हैं, जैसे आई यूज टू गेट अप लेट व्हेन आई वाज ए बेबी। और कोई स्टोरी बतानी होती है जब हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं, किसी हिस्ट्री के बारे में बात करनी होती है तब हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो पास्ट कंटिन्यूअस बच्चों, पास्ट में कोई काम जब कंटिन्यू हो रहा होता है तब यूज किया जाता है। इसमें सिंपल सेंटेंस के लिए हम वाज या वर यूज करते हैं और जब नॉट वाले सेंटेंस होते हैं तो वाज वर के साथ नॉट भी यूज करते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वाज वर्ब के सबसे पहले आ जाते हैं सेंटेंस में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और जो डब्ल्यू एच टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें पहले क्वेश्चन वर्ड रहता है, फिर वाज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कब यूज करते हैं बच्चों? पास्ट का कोई काम अभी कंटिन्यू है उसके लिए, जैसे पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था, जैसे नेहा वाज ट्राइंग टू सेंड यू मैसेज लास्ट नाइट, या कोई पास्ट का एक्शन लंबे समय के लिए था, जैसे ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हेडेक फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है बच्चों, वो हमें जो हमारे पास के ही पास्ट में हुए उन काम के या जो डिस्टेंस पास्ट में हुए उनके बीच के रिलेशन को बताने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और निगेटिव सेंटेंस में हैड नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इंटरोगेटिव जो यस नो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं उसमें हम हैड सबसे पहले लिखते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, फिर हैड के बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखकर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हम पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज करते हैं बच्चों? हम पास्ट परफेक्ट टेंस किसी एक्शन को डिनोट करने के लिए जो कि पूरा हो चुका था या शुरू हुआ था उसके बारे में यूज करते हैं, जैसे द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन वी एंटर्ड द हाउस, या किसी पास्ट में किसी अनफुलफिल्ड विश के लिए या कंडीशन के लिए यूज करते हैं, जैसे आई विश आई हैड एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। किसी अनफुलफिल्ड कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं या किसी ऐसे वर्ड को दिखाने के लिए जैसे ऑलरेडी बिफोर टिल, जैसे शी हैड ऑलरेडी हर्ड द न्यूज, आई हैड नॉट सीन द मूवी बिफोर। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें पास्ट के किसी एक्शन की लेंथ बताता है और जो पास्ट में काफी समय तक कंटिन्यू था। जैसे इसके जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें हैड बीन के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और नॉट वाले सेंटेंस में हैड नॉट बीन के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। इंटरोगेटिव में हैड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
डब्ल्यू एच क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, सब्जेक्ट, बीन, फिर वर्ब में आईएनजी। इसके एग्जांपल्स जैसे बाय द टाइम आई रीच्ड द हॉल द फिल्म हैड बीन रनिंग फॉर एन आवर। तो इस तरह से दो पास्ट के एक्शन हो गए, पहला कि आई रीच्ड द हॉल, रीचिंग द सिनेमा, और दूसरा जो हमें पर्टिकुलर पास्ट टेंस के टाइम के बारे में बता रहा है, और दूसरा जो फिल्म शुरू हो चुकी थी उस काम के बारे में बता रहा है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं इसलिए पर्टिकुलरली इवेंट की कंटिन्यूटी के लिए दिखाए जाते हैं। और ये सेंटेंस जो होते हैं जैसे शिवम हैड बीन प्लेइंग फॉर दिस क्लब फॉर 8 लॉन्ग ईयर्स, तो यहाँ पर शिवम के इन्वॉल्वमेंट पर्टिकुलर क्लब में जो पास्ट में था उसके बारे में बताया जा रहा है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस हम कब यूज करते हैं? उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो किसी पास्ट में किसी पॉइंट पर शुरू हुआ था और अभी तक वो कंटिन्यू है। जैसे एट दैट टाइम सारा हैड बीन ड्राइविंग हर कार फॉर 2 ईयर्स। अब हम इससे जुड़ी हुई एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों सेंटेंस के फिल इन द ब्लैंक्स को हमें ब्रैकेट में दिए गए वर्ब के सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में फिल करना है। जैसे द अलार्म रैंग व्हेन सोहन वाज स्लीपिंग, द डॉग बार्कड थ्रू आउट द इवनिंग, परहैप्स इट वॉज रेस्टलेस, सिस्टर वॉज स्विमिंग व्हेन शी हर्ड द क्राई फॉर हेल्प, द पेशेंट वेटेड एट द डॉक्टर्स क्लिनिक फॉर मोर देन 1 आवर, आई वॉज एक्सपेक्टिंग सच ए फुलिश बिहेवियर फ्रॉम हर, या आई एक्सपेक्टेड सच ए फुलिश बिहेवियर फ्रॉम हर। इस तरह से हम इन सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। जैसे ही हैज बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 3 ईयर्स, माई अंकल हैड बीन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस 2017, दे हैड बीन रनिंग देयर बिजनेस सिंस 2015, शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस ट्यूजडे। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।